नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो आपको साइड में बेल आइकन भी दिखाई दे रहा है उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को देख सकें और हमारी वीडियो से जुड़ी हुई जितनी भी ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ हैं वो ले सकें। तो आज हम बात करेंगे सकट चौथ के बारे में जो कि 13 जनवरी 2020 को दिन सोमवार के दिन पड़ रही है। हालांकि चतुर्थी तिथि जो उस दिन प्रारंभ हो रही है, चतुर्थी तिथि 13 जनवरी 2020 को शाम को 5:32 में प्रारंभ हो रही है और चतुर्थी तिथि जो समाप्त हो रही है वो 14 जनवरी को अगले दिन 2:49 को दोपहर को समाप्त हो रही है। ये सकट चौथ जो है माघ के माह में कृष्ण पक्षी चतुर्थी के दिन मनाई जाती है और एक अपने आप में खास विशेष महत्व रखती है। यूँ तो संकटी चतुर्थी हर माह आती है, लेकिन जो ये माघ के माह में आती है कृष्ण पक्षी चतुर्थी को, इसका बहुत ही महत्व है। इसे सकट चौथ, तिलकुटा चौथ या संकटी चतुर्थी का दिनामों से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियाँ जो है अपने संतान की लंबी आयु के लिए और इनकी रिद्धि सिद्धि के लिए व्रत रखती है और इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा जो है विधि विधान से की जाती है ताकि हर तरह के कष्ट वह काट सके, क्योंकि इन्हें हर तरह के कष्टों काटने का कार्य कहा गया है। भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और इस दिन जो व्रत रखा जाता है वो निर्जल व्रत रखा जाता है। सभी स्त्रियाँ निर्जल व्रत रखते हैं और शाम को जब चंद्रोदय हो जाता है तो चंद्रोदय के समय पूजा करके और कथा सुनकर वे चंद्रमा को जल देकर उसके बाद उन्हें व्रत समाप्त करती है। व्रत करने से पहले आप सुबह क्या करेंगे? व्रत करने से पहले सुबह उठ के गुड़, तिल, गन्ने और मूली का प्रयोग करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और इस दिन गणेश जी की जो है मिट्टी बनाकर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और पूरे दिन व्रत रखा जाता है। सुबह ही व्रत रख लेते हैं और फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा किया जाता है और पूजा करने से पहले व्रत कथा को पढ़ा जाता है शाम के समय में गणेश जी की। व्रत कथा को पढ़ने के बाद गणेश जी को गुड़ और तिल से बने लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इस दिन जो लड्डू बनते हैं वह गुड़ और तिल से महत्व है इस दिन, तो वह लड्डू बनाए जाते हैं वही गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। तो इस दिन गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व कहा गया है और गणेश जी पूजा के साथ साथ चंद्रमा की पूजा की जाती है, क्योंकि चंद्रोदय जब शाम को हो जाता है उसके बाद चंद्रमा को जल देने के बाद ही सभी स्त्री अपना व्रत पूरा करती है और उससे पहले वे कथाएँ सुनती हैं। तो ये जो व्रत मैंने बताया है ये सभी स्त्रियाँ जो है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती है, जिससे पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हो और रिद्धि सिद्धि उनके यहाँ वास करे, तो इसलिए ये व्रत किया जाता है। तो ये जो मैंने आपको बता दिया है 13 जनवरी को चतुर्थी प्रारंभ हो रही है और 14 जनवरी को ये समाप्त हो रही है दोपहर के समय। आगे मेरी और वीडियो ज्योतिष संबंधी जितनी भी आती रहेगी और यदि कोई बात मुझसे आप पूछना चाहते हैं तो मुझे आप मेरी वीडियो पर कमेंट लिख सकते हैं, नीचे आप मुझे कमेंट लिखेंगे तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा जो मैंने मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है आप उस पर भी मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, यदि कोई जानकारी आप मुझसे चाहते हैं तो मैं आपको सभी जानकारियाँ ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।